नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प में। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं जो है बताने जा रहा हूँ कि हम अपने मोबाइल को यानी कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपडेट के बारे में मैं ये अपडेट नहीं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपडेट्स दो तरह की होती है। एक तो होता है एप्स अपडेट, जो एप्स होते हैं इनको अपडेट करना होता है, यानी कि प्ले स्टोर में जाने के बाद अपडेट होता है। ठीक है, ये अपडेट नहीं है वो, ये है पूरा सिस्टम अपडेट। ठीक है, सिस्टम अपडेट का मतलब सारे मोबाइल्स में जितना भी सेटिंग्स वगैरह, यानी कि ऑल अपडेट, यानी कि सिस्टम अपडेट बोलते हैं। सिस्टम का मतलब पूरी जो मशीन है इसके अंदर उसका अपडेट होता है। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं जो है किस तरीके से पूरा होना है फ्रेंड, ये क्यों करना है, थोड़े इसके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे जो एप्स होते हैं ये चल चल के थोड़े पुराने हो जाते हैं, तो इनको यानी कि नया कंपनी है जो इनकी, वो नए एप्स जो है दोबारा से भेज देती है। ये एप्स चल के पुराने हो जाते हैं तो ये जो है हैंग करने लगते हैं, फोन कई बार एकदम फंस के रह जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो हम ये नए कैसे जो है अपडेट्स कर सकते हैं, जैसे कि एक तो जो है सर्विस सेंटर जा करके करवा सकते हैं, जब तक गारंटी में है तो वो लोग कर देते हैं, उसके बाद पैसा लेने लगते हैं 200-250 रुपये, या आप प्राइवेट दुकान पर जा करके इसको अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप जब घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हो तो कितनी अच्छी बात है, उसमें कुछ लगना भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसी वीडियो में हम ये सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अभी हम इसको बता देते हैं इसमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है आपको अपडेट करने में। ठीक है, हम आपको लाइव यहाँ पर दिखाएंगे। तो अभी इसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है, या एक तो फुल बैटरी चार्ज होना चाहिए, यानी कि लगभग 50% से तो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है कि आपका जो है डाटा कम से कम 1 GB 1.5 GB होना चाहिए लगभग। अब वो डिपेंड करता है कि आपका अपडेट कितना बड़ा आया हुआ है। ठीक है, तो वो हम अभी आपको मोबाइल में आपको सारा डिटेल विस्तार में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपको तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये आप मेरा जो है रेडमी 4A फ़ोन है, जो MI का फ़ोन होता है वो फ़ोन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्स हैं वो अभी इस तरीके से दिख रहे हैं, जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो वो नए जो कंपनी वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे कुछ एप्स हैं जो इसी में रहते हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अबाउट फोन। ठीक है, तो अबाउट फोन पर हम जो है क्लिक करेंगे, जैसे ही अबाउट फोन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अबाउट फोन की सेटिंग्स कुछ फोनों में, यानी कि आपके जैसे सैमसंग या इंटेक्स वगैरह के, तो नीचे ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो हमें अबाउट फोन देखना है, अबाउट फोन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है सिस्टम अपडेट। ठीक है, ये सिस्टम अपडेट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा है अपडेट्स आया हुआ है, ये सारी जो आपको ऊपर डिटेल्स दिख रही है ये अपडेट्स आया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप ये जो है कह रहा है कि आपकी बैटरी लो है, मेरी बैटरी एक्चुअली 15% चार्ज है, इसलिए जो है दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको चार्ज पर लगाए हुए हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऊपर देख सकते हैं ये जो है ऊपर मेरा अपडेट्स कितने का है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 GB 1.5 GB, तो मेरा यहाँ पर 311 MB का आया है। ठीक है, तो मेरे पास 311 MB है, लगभग 350 या 400 MB डाटा होना चाहिए जरूरी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें अपडेट्स कैसे करना है, नीचे ये जो बैटरी का ऑप्शन है इसको हम ओके कर देते हैं, यदि आपके पास आ जाए तो ठीक है, नहीं हमें रिबूट पर जाकर के रिबूट नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही रिबूट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोन जो है अपडेट होने लगा है, यानी कि अपडेट होने के लिए तैयार हो चुका है, ये अपडेट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्विच ऑफ ऑन होगा, अभी आपको दिखाते हैं इस तरीके की प्रोसेस चलेगी, तो आपको इसको बीच में कहीं भी कोई जो है छेड़खानी नहीं करनी है, ये जो कुछ करना है बस रिबूट नाउ के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अभी ये देखिए आपको नीचे जो लकीर दिख रही है, ये लकीर जो है भरने लगी है, ये लकीर जब पूरी भर जाएगी तो हमारा फोन अपडेट का जो यानी कि सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर लेगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम उसको और लगेगा जो कि सारा जो अपडेट्स आए वो फोन में सेव करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है अपडेट हो रहा है, तो इसको होने दें, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि इसको पूरा करीब हो सकता है आधा घंटा के आसपास लग सकता है, हो सकता है 1 भी घंटा लग जाए, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। तो हमने इसको थोड़ा स्किप कर दिया है, यानी कि मैंने लगभग 15 मिनट बाद इसको फिर से रिकॉर्ड किया है, तो ये जो है। ठीक है, इस बीच में आपको एक बात बता दूं फ्रेंड, मेरा चैनल सन 2016 यानी कि काफ़ी पुराना है फ्रेंड, और काफ़ी ट्रस्टिंग वीडियो डालता हूँ, कोई भी फ्रॉड वीडियो नहीं डालता हूँ, और जो भी वीडियो डालता हूँ यूज़फुल डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, इसकी प्रोसेस मैं और भी आगे बता रहा हूँ, आप जुड़े रहें। मैं थोड़े इस बीच में गैप था तो मैंने सोचा अपने बारे में कुछ बता दूँ,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको मिलती रहे फ्रेंड। तो इस तरीके की मैं जो है इंटरेस्टिंग नॉलेज देता रहता हूँ। तो अभी ये जैसे ही ये पूरी लाइन भर जाएगी, उसके बाद जो है ठीक है, कुछ जो है हमारा फोन इस तरीके से जो है स्विच ऑफ ऑन होगा। तो स्विच ऑफ ऑन होने में इसको काफी टाइम लगेगा, अभी लगभग हो सकता है 15 मिनट के आसपास मेरे को लग रहा है। तो अभी इसके बीच में मैं थोड़ा और आपको, यदि आपके पास कोई अन्य फोन है यानी कि इंटेक्स वगैरह का या कोई और फोन है, तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए उसमें हो सकता है कि अलग दो हो। जो इंटेक्स का फोन है उसमें एक अलग ही ऐप्स दिया होता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, ठीक है। तो उसमें जो है दिया हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आ जाता है, जब भी आपका अपडेट आया होगा यानी कंपनी ने भेजा होगा तो यहाँ पर लिख के आ गया होगा कि आपका अपडेट आया, लेकिन यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर नो अपडेट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यदि को फिर वो डिपेंड करता है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से जो है दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अभी अपने फ़ोन को देखते हैं और थोड़ा स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है फ्रेंड, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है ये वीडियो छोड़ करके जाए, इसको पूरा देख करके जाए, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। देखिए अभी मैंने जो है इसको ओपन हो चुका है, तो अभी यहाँ पर आपको सारे ऐप्स जो है दिख रहे होंगे, कि कुछ जो नीचे कॉल्स का सिस्टम दिख रहा है वो एकदम अलग दिख रहा है। तो अभी हम सेटिंग्स पर जाकर के दोबारा देख लेते हैं, अबाउट फोन पर जाते हैं। अबाउट फोन पर जाने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सिस्टम अपडेट्स पर, यहाँ पर जो है कोई अपडेट नहीं है क्योंकि हमारा फोन अपडेट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बताइएगा कैसा लगा।